फ्रेंड्स, इस जन्माष्टमी पर ए पिचवाई काओ प्रिंट का ड्रेस अपने कान्हा जी के लिए ज़रूर बनाएं। बहुत ही खूबसूरत बनते हैं और बहुत ही खूबसूरत दिखते हैं। और फ्रेंड्स, ये ड्रेस बहुत ही जल्द बनकर तैयार हो जाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते एंड वेलकम बैक माय चैनल रेखास क्रिएटिविटी आइडियाज़ में आप सभी लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। अगर अभी तक मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करें और बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस करें। मैं यहाँ पर पिचवाई काओ प्रिंट का फैब्रिक ले रखी हूँ। फ्रेंड्स, बहुत ही खूबसूरत लगते हैं ये ड्रेस बनाने के बाद, बहुत ही खूबसूरत दिखते हैं। यहाँ पर मैं 9.5 इंच × 9.5 इंच का मैं फैब्रिक कट करके रखी हूँ राउंड शेप में। और यहाँ पर मैं अस्तर का भी फैब्रिक कट करके रखी हूँ, सेम साइज का है। और ये बुकरम भी मैं सेम साइज का ही कट करके रखी हूँ। पहले मैं अस्तर का फैब्रिक रखी हूँ, उसके ऊपर मैं बुकरम रखी हूँ, उसके बाद मैं मेन फैब्रिक इस तरह से रखनी है और पूरा राउंड शेप करके मुझे स्टिच लगानी है। देखिए गाइस, जब स्टिच हो चुके हैं बिल्कुल बढ़िया से, पूरे में मैं डबल स्टिच करी हूँ। मैं जो राउंड शेप में स्टिच की हूँ ना, वो तीनों फैब्रिक में स्टिच पड़नी चाहिए, लगनी चाहिए बिल्कुल। और अब मुझे कमर का शेप निकालना है। मैं यहाँ पर कमर का मेजरमेंट ले रही हूँ 1 इंच। मैं इधर से भी मेजरमेंट रखनी है मुझे 1 इंच, और तीनों तरफ से मैं 1 इंच का ही मेजरमेंट रखूँगी। इस साइड से भी 1 इंच रखनी है और बीच में से भी 1 इंच का मैं मेजरमेंट रखूँगी। उसके बाद में वहाँ पर राउंड शेप करके फिर कट लगानी है। और फ्रेंड्स, आप लोग अपने लड्डू गोपाल जी के अकॉर्डिंग कमर का ही कट कीजिएगा। और इस अब मुझे कट लगानी है, पर जहाँ पर मैं मार्क की हूँ बिल्कुल मार्क के ऊपर से मैं नहीं कट करूँगी, मार्क को छोड़ते हुए उसके ऊपर से मुझे कट लगानी है। अब देखिए, ये तो कट हो चुके हैं, अब मुझे स्टिच करनी है कमर के राउंड में जहाँ पर मैं मार्क की थी, बिल्कुल मार्क के ऊपर से मुझे स्टिच लगानी है। और इस तरफ से दो साइड से मैं स्टिच लगाऊंगी। अब देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल स्टिच होकर रेडी हो चुके हैं इस तरह से। और अब प्रिंट देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर कट लगानी है और दोनों साइड जो स्टिच किया हुआ है उसके बिल्कुल बीचों बीच यहाँ पर कट लगानी है मुझे। गाइज, आप लोग भी अपने लड्डू गोपाल जी के लिए ये ड्रेस ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं फ्रेंड्स, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। अब मुझे चाहिए गोटा पट्टी का लेस, तो मैं गोल्डन कलर का लेस ली हूँ। और जो ऊपर से मैं कट की हूँ वहाँ से मुझे गोटा पट्टी का लेस यहाँ पर स्टिच करना है। पूरा राउंड शेप को करते हुए इस तरफ से मुझे बिल्कुल कंप्लीट करनी है। इस तरह का मुझे गोल्डन लेस चाहिए। गोल्डन लेस को मैं इसके ऊपर से स्टिच करनी है, दोनों तरफ से ही मैं स्टिच करूँगी। और राउंड शेप देते हुए पूरे राउंड में मुझे स्टिच करनी है ये इस लेस को मैं डबल करके स्टिच करूँगी, उसके बाद में दिखाती हूँ। चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं। मैं डबल करके लेस को इस तरह से लगाई हूँ, एक नीचे की तरफ से लगाई हूँ और स्टिच की हूँ, और एक ऊपर से मैं स्टिच की हूँ इस तरह से। और अब मुझे ये ग्रीन लेस चाहिए, इसके ऊपर से दोनों तरफ से मैं स्टिच करूँगी और इसको घुमाते हुए पूरे राउंड शेप को कवर करते हुए उस साइड से मैं स्टिच करके फिर मुझे इसे कंप्लीट करनी है। ग्रीन लेस को स्टिच करने के बाद मैं नीफा स्टिच करूँगी। नीफा मैं कॉटन का ही फैब्रिक ले रखी हूँ। पीछे के तरफ से मैं पहले स्टिच करूँगी, उसके बाद घुमाते हुए मैं फ्रंट में लूँगी। उस लेने के बाद मैं फ्रंट में भी इस तरह से डोरी डालकर उसके बाद में स्टिच करके फिर आप लोग चले देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल तैयार हो चुके हैं, बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है। अगर आप लोगों को ये वीडियो ज़रा भी पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, इस जगह मैं दोनों को एक साथ स्टिच कर रखी हूँ करीब 1 इंच के तरह। इससे क्या होता है, ठाकुर जी को पहनाने में
के बाद बहुत ही खूबसूरत से दिखते, पीछे बिल्कुल मोर के पंख की तरह फैल जाते हैं। अब मुझे बनानी है चोली, तो मैं यहाँ पर अस्तर का फैब्रिक ले रखी हूँ, 12.5 इंच है और इसकी चौड़ाई है 1.25 इंच। और मैं यहाँ पर नेट का फैब्रिक ले रखी हूँ और लंबा सेम है और इसकी चौड़ाई है 4 इंच का। नेट का फैब्रिक को मैं उल्टा कर रखी हूँ, उसके ऊपर से मैं अस्तर का फैब्रिक कर रख कर उसके बाद फिर नेट का फैब्रिक को मैं फोल्ड करके स्टिच कर ली हूँ। और सेम तरह से मैं जरी का लेस और ग्रीन लेस इसमें स्टिच करके रखी हूँ चोली में। और ये चोली पीछे से मैं करीब 1.5 इंच के करीब मैं यहाँ पर स्टिच करनी है और डोरी लगाकर मैं चोली को फिर कंप्लीट करती हूँ। और उसके बाद पूरे ड्रेस को देखिए फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को ये वीडियो ज़रा भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तब तक के लिए राधे राधे फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।